नमस्कार दोस्तों, भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो घटना चक्र का जीएस पॉइंटर आता है उसको मैं केवल आवाज़ दे रहा हूँ, और इसके अंतर्गत बायोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा टॉपिक है विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस, यानी विटामिन और पोषण। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है, फंक ने आविष्कार किया था। तो फंक किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। फिर अगला पॉइंट है, विटामिन्स होते हैं, क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। अगला पॉइंट है, यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सहायक आहार कारक, विटामिन को। अगला पॉइंट है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट है, बोरन जस्ता सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो क्या है पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो वह है सोडियम। अगला पॉइंट है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होता है, प्रभूत मतलब प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है, तो वह क्या है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला पॉइंट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस में? वसा में। अगला पॉइंट है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होता है। तो सेब सबसे बड़ा स्रोत कौन चीज का होता है? तो पोटेशियम का। अगला पॉइंट है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकारक रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकारण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को ये निष्क्रिय कर देता है। ठीक, अगला पॉइंट है, यहाँ पे मिलान करना है, तो कैल्सीफेरॉल, फिर नाइसिन, फिर कोबालामिन, फिर थायमिन या बी1, विटामिन डी और विटामिन के। तो देखिए, कैल्सीफेरॉल मिलेगा ये अस्थि रुग्णता से, फिर नाइसिन पेलाग्रा या चर्मगाह से, फिर अगला है कोबालामिन, ये मिलेगा संघातिक रक्ताल्पता से, थायमिन या बी1, विटामिन बी1 बेरी बेरी से, विटामिन डी सूखा रोग और विटामिन के रक्त का थक्का जनने में समस्या होना। तो ये सुमेल करने के लिए था। अगला पॉइंट है, यहाँ पे मिर्च, कुम्हरा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो मिर्च में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला पॉइंट है, विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो वो विटामिन कौन है? विटामिन सी। अगला पॉइंट है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है क्या क्या है? तो कच्चे एवं ताजे फल। अगला पॉइंट है, कंचन एक उन्नत किस्म है, किसका? आंवला का। अगला पॉइंट है, सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो क्या है? आंवला। अगला पॉइंट है, गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसकी? तो संतरा में। अगला पॉइंट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। अगला पॉइंट है, आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, तो प्रचुरतम स्रोत किसका है? संतरा, विटामिन सी का। अगला पॉइंट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है कौन है? विटामिन सी। विटामिन सी मदद करता है किस चीज़ में? तो लौह के अवशोषण करने में, मतलब लोहा जो शरीर के लिए जरूरी तत्व है उसको अवशोषण करने में। अगला पॉइंट है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला पॉइंट, वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, तो विटामिन के। अगला पॉइंट, रक्त का थक्का बनने में आवश्यक होता है विटामिन के। अगला पॉइंट, रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है, स्कंदन मतलब थक्का, तो वो विटामिन के ही होगा। अगला पॉइंट, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो संश्लेषित क्या होता है? आंत के जीवाणुओं द्वारा, तो वो विटामिन B12 और विटामिन के। अगला पॉइंट है, विटामिन डी का स्रोत है, तो विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण। अगला पॉइंट है, सूर्य की किरण से प्राप्त होता है विटामिन डी। फिर अगला पॉइंट है, विटामिन डी की अल्पता से होता है रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होता है, विटामिन डी में पाया जाता है।
तो ये कैल्सीफेरॉल। फिर अगला पॉइंट है यहाँ कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो किसका? विटामिन डी का। अगला पॉइंट है रटौंधी होता है तो किस विटामिन के कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण। अगला पॉइंट मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? यकृत में। अगला पॉइंट है पत्ता गोभी गाजर फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक रहती है तो किसमें? गाजर में। अगला पॉइंट है सेब पपीता अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है तो वो है आम विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत। अगला पॉइंट है ताड़ का तेल नारियल का तेल गेहूं अंकुर का तेल तथा राई यानी सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है तो गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला पॉइंट है विटामिन ए प्रोटीन एंजाइम तथा हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला पॉइंट कथन और कारण के रूप में है। कथन है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा। फिर इसका कारण है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। हाँ देखिए रतौंधी होगा या नहीं होगा ये तो पूरा कन्फर्म नहीं है तो इसीलिए ये कथन ए गलत हो गया, जबकि उसमें विटामिन ए का कमी हो जाएगा ये सही है। तो इस प्रकार से कथन ए गलत हो गया और कारण इसका आर सही हुआ। अगला पॉइंट है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। फिर है साइनोकोबालमिन ये किसमें मिलता है तो ये विटामिन बी 12। अगला पॉइंट है इसका नाम है साइनोकोबालमिन, इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी 12 का। अगला पॉइंट है थायमिन है, थायमिन क्या है? विटामिन बी 1 है। अगला पॉइंट है जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन सी जल में घुल जाता है। याद रखिएगा बी और सी विटामिन जल में घुल जाता है और विटामिन ए डी ई के ये बसा में घुलनशील है। अगला पॉइंट विटामिन ए विटामिन बी विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है तो वही बी और सी पानी में घुलता है तो विटामिन बी होगा आंसर। अगला पॉइंट कुछ विटामिन बसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, वह विटामिन जो जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और सी। अगला पॉइंट है एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व अस्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है तो क्या नहीं ले रहा है? विटामिन बी वन मतलब बेरी बेरी रोग होगा, डी के कारण सूखा रोग होगा, अस्कर्वी रोग चमड़ी की बीमारी जो होता है वो सी के कारण होगा। अगला पॉइंट है किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक विटामिन होता है विटामिन बी 6। चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट सुमेल करने के लिए है, एक तरफ बीमारी दिया है दूसरा तरफ उसका कारण दिया है किस भी विटामिन के कमी के कारण होगा। तो देखिए रतौंधी फिर है रिकेट्स अस्कर्वी सूखा रोग फोलिक एम विटामिन बी 3। देखिए तो रतौंधी जो होगा वो विटामिन ए की कमी के कारण होगा, फिर रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण, अस्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण और सूखा रोग विटामिन डी, फिर फोलिक अम्ल रक्ताल्पता और विटामिन बी 3 पेलाग्रा इसके कारण होता है। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे सुमेल करने के लिए है, एक तरफ है रेटिनॉल इसके कारण क्या होता है नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, फिर है टेकोफेरॉल इससे क्या होता है बंधता होता है, फिर है साइनोकोबालमिन तो इसके कारण घातक रक्ताल्पता होती है, फिर है पैराडॉक्सिन इसके कारण मानसिक व्याधि होता है और फिर है विटामिन ई इसके कारण बंध्यापन होता है। अगला पॉइंट फिर सही सुमेल करने के लिए और सही ऑलरेडी सुमेलित है ही, तो यहाँ पे है टैलिन, टैलिन क्या करता है स्टार्च को पचाता है, फिर है पेप्सिन प्रोटीन, रेनिन क्या होता है रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदल देता है रेनिन। अगला है फिर ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है मृषण पेशियां यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। फिर यहाँ पे अगला सुमेलित करना ही है, अगला पॉइंट है विटामिन, विटामिन मिलेगा जाके केरोटीन से, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन या प्रोटीन केरोटीन। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है तो 100 ग्राम प्रति केला में ऊर्जा का मात्रा 116 किलो कैलोरी ऊर्जा उससे मिलता है, मतलब 100 ग्राम केले को खाने से पका हुआ केला। अगला पॉइंट है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें सोयाबीन में। अगला पॉइंट है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है कहाँ पे सोयाबीन के दाने में। अगला पॉइंट है चावल मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो क्या है मूंगफली। अगला पॉइंट है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किसमें मूंगफली में। अगला पॉइंट है बाल
जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कीरेटीन। अगला पॉइंट है, मानव के बाल एवं नख में विद्यमान होता है, क्या होता है, तो कीरेटीन ही होता है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टाइरोसिन के बारे में सत्य नहीं है, तो क्या है नहीं सत्य, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अगला पॉइंट है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है, तो ग्लूटीन होता है। ये ग्लूटीन जो होता है ना, उसमें लसलसापन जो गेहूं में आता है, इसी के कारण उसमें ग्लूटीन के कारण ही होता है, यही कारण है कि रोटी जो है स्पंज बनता है। अगला पॉइंट है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। अगला पॉइंट है, एक गिलास पानी पीने से मिलता है 0 कैलोरी। अगला पॉइंट है, भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है, क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर लंबे समय तक कसरत कर सकता है, मतलब काम कर सकता है। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर में अम्लीयता व क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है, फॉस्फोरस। अगला पॉइंट है, ग्लाइकोजन एमिनो अम्ल तथा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। अगला पॉइंट है, जामुन करौंदा लोकाट तथा अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो करौंद में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, यहाँ पे खनिज दिया हुआ है कैल्शियम लौह और सोडियम, और बताना है कि मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे कैल्शियम लौह और सोडियम तीनों तत्व आवश्यक मात्रा है में शरीर को पेशियों के संकुचन के लिए जरूरी है। अगला पॉइंट है, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में क्या रहता है, तो आयरन रहता है पालक के पत्तों में। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है, गाजर मटर चावल तथा पालक में से लौह का अच्छा स्रोत है, तो पालक। अगला पॉइंट है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, हरी सब्जियों में। अगला पॉइंट है, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है किसका, एमाइलोज का, एमाइलोज के कारण ही चावल बासमती का पकने के बाद लंबा हो जाता है। फिर है अगला पॉइंट, दूध में मिठास आता है किसके कारण, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। अगला पॉइंट है, दूध में विद्यमान सैकराइड है, तो क्या है, सैकराइड एक लैक्टोज है। अगला पॉइंट है, दूध खराब होता है क्यों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। अगला पॉइंट है, दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। अगला पॉइंट है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है, कैरोटीन की उपस्थिति। फिर अगला पॉइंट है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित क्या है, तो कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति। अगला पॉइंट है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है कितना, 7.2%। अगला पॉइंट है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में लुप्त हो जाता है कब, 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य में। अगला पॉइंट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो वो है रेनिन। अगला पॉइंट है, कैसीन दुग्ध होता है किसका, तो प्रोटीन का। अगला पॉइंट है, दूध का धवल रंग होता है किसके कारण, कैसीन की उपस्थिति के कारण। फिर है अगला पॉइंट, ग्लूटिनिन कैसीन मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है, तो क्या है, वो कैसीन। अगला पॉइंट है, शरीर में उत्तक का निर्माण होता है तो किससे, प्रोटीन से। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि होता है किससे, प्रोटीन की कमी के कारण। तो अगला पॉइंट है, वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या होता है, ATP किसमें बदलता है, ADP में, और इससे अधिकतम ऊर्जा मिलता है। अगला पॉइंट है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है ATP के रूप में। अगला पॉइंट है, और यहाँ पे सुमेलित करना है, विटामिन बी इसमें क्या रहता है, तो कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल तांबा, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको बोलते हैं, फिर कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। अगला पॉइंट, फिर यहाँ पे सुमेलित करना है, और यहाँ पे दे दिया है एक तरफ विटामिन और उसका फिर केमिकल नाम है, तो विटामिन B2 का नाम होता है रिबोफ्लेविन, फिर विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, फिर विटामिन B12 का कोबालाइमाइन,
फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे, लोहा जस्ता तांबा तथा मैग्नीशियम में से सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो गंधक क्या है, ये सूक्ष्म तत्व नहीं है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, पीतल में मुख्यतः पाया जाता है, तो विटामिन सी। अगला पॉइंट है, आम पपीता गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो दूध जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगला पॉइंट है, अल्फा कीरेटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट है, वह तत्व जो सभी प्रोटीन में विद्यमान होता है, तो क्या है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। अगला पॉइंट है, प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो कौन नहीं विकृत करता है, अवरक्त किरणें। अगला पॉइंट है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो वृद्धों में ज़्यादा और तरुण में न्यूनतम। अगला पॉइंट है, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है, तो 45 ग्राम। अगला पॉइंट है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में आवश्यक कितना प्रोटीन की आवश्यकता होता है, तो 70 ग्राम प्रोटीन का। अगला पॉइंट है, और यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, और ये बताना है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में उपयुक्त में से जो विशिष्ट लक्षण होता है, तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन में है, वह कम मोटा होता है। फिर है अगला पॉइंट, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। फिर अगला पॉइंट है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है। और फिर अगला पॉइंट है, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो देखिए ऊपर का जो 3 है पॉइंट वो सही है, जबकि ये 4th पॉइंट कहता है उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए माँ का दूध बच्चों को पिलाना ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है, स्टार्च है एक, स्टार्च क्या होता है, एक तो पॉलीसैकेराइड होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और हमको ये बताना है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए पढ़ते हैं, पहला पॉइंट है, ए, दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। फिर अगला पॉइंट है, बी, दोनों बहुलक है। अगला पॉइंट है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। और अगला पॉइंट है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होता है। तो देखिए इसमें दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ये सही है, दोनों बहुलक है, ये भी सही है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होता है, ये भी सही है, और ये जो कथन है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो ये गलत है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है, तो स्टार्च क्या है, लार की सहायता से पच जाता है। अगला पॉइंट, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला पॉइंट, रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, तो क्या, कैल्सीफेरॉल। अगला पॉइंट, दूध में विटामिन B1, विटामिन B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाया जाता है, ये कथन क्या है, सही है, ठीक, ये सही कथन है, क्या कि दूध में विटामिन B1 होता है, B2, नियासिन, B6, B12 पाया जाता है, इसलिए कहते हैं दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। लेकिन खैर ये जो आज के समय में है, चूँकि वो संश्लेषित दूध कहते हैं ना जिसको, उसके आ जाने के कारण वो थोड़ा सा उसमें कमी आया है। चलिए अगला पॉइंट, अति पोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित भोजन में से कुपोषण होता है, अल्प पोषण तथा असंतुलित भोजन से। अगला पॉइंट है, और यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक। पहला पॉइंट है, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, ये बात सही है। अगला पॉइंट है, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी बात सही है। फिर अगला पॉइंट है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करता है, तो ये गलत है। अगला पॉइंट है, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, तो ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। अगला पॉइंट है, अलसी प्रचुर स्रोत है, तो किसका अलसी प्रचुर स्रोत है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अगला पॉइंट है, अल्फा निलोलेनिक अम्ल यानी 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वो क्या है, अलसी, ठीक, अलसी जिसको तीसी हम लोग बोलते हैं अपने उधर। अगला पॉइंट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में से सम्मिलित है, तो ये क्या है, कैल्शियम और पोटासियम। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, बताना है कि क्या सही है। अगला पॉइंट है, उसी में कथन में, विटामिन्स बलवर्धक तत्व है जिसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है,
फिर अगला कारण है इसका, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता के। देखिए तो ये जो कथन है ना, विटामिन बलवर्धक तत्व है और इसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है, तो ये सही है, जबकि इसका कारण आर गलत है। अगला पॉइंट है कथन, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, और कारण है इसका, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए ये कथन गलत है, ठीक, और जबकि कारण जो है इसका कि अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, ये सही है। अगला पॉइंट है, सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है तो सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन से सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल क्या होता है उसमें उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करता है, क्यों? क्योंकि शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन तथा खनिज में से वह जिसके अपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो किससे? वसा से। अगला पॉइंट, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो वो प्रोटीन ही होता है। अगला पॉइंट कथन और कारण के रूप में है, कथन है यहाँ पे, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ये बात सही है। अनसेचुरेटेड फैट्स जो होता है वो सेचुरेटेड फैट्स की तुलना में अधिक रिएक्टिव होता है, ये बात सही है। और यहाँ पे कारण है कि असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है यानी बॉन्डिंग होता है, तो ये गलत है। इस प्रकार से कथन सही हुआ और कारण गलत हुआ। अगला पॉइंट, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है? तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, ठीक, इसीलिए। अगला पॉइंट है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं है, उसके इस अभियान का उपभोक्ता के लिए क्या मीनिंग है, क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे तीन कथन दिया है, बताना है हम में से क्या सत्य है। अगला पॉइंट है यहाँ पे ए, कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए गए हैं, ये बात सही है। अगला पॉइंट है, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पाद उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए गए हैं, ये भी सही है। और अगला पॉइंट है, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार से जो ट्रांस वसा फैट्स के संबंध में जो तीन कथन था, वो तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो ये था मेरा ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, और ये विटामिन्स एवं न्यूट्रिशन से संबंधित आप भी इसमें जोड़िए और लगातार रूप से लगे रहिए। चलिए, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।